सब्सक्राइब कीजिए इंडिगो न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच इस वर्ल्ड कप का 28वां मुकाबला खेला गया, जिसे भारत ने आखिरी ओवर में 11 रन से जीतकर अपने नाम कर लिया है। ये वर्ल्ड कप की भारत में 50वीं जीत है। वर्ल्ड कप में वे ऐसा करने वाली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरी टीम बन चुकी है। इस मैच में भारत टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 224 रन बने, जिसमें भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली ने 67 रन की पारी खेली, जबकि केदार जाधव ने 52 रन की जुझारू पारी खेली, जिससे अफगानिस्तान को टीम के लिए इस मैच में जीतने के लिए 225 रनों का लक्ष्य मिला। इस लक्ष्य के जवाब में अफगान की पूरी टीम 50 ओवर में 213 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। इस मैच में अफगान की टीम के लिए मोहम्मद नबी ने सर्वाधिक 52 रनों की पारी खेली, तो वही रहमत शाह ने 36 रनों की पारी खेली। उसके साथ ही कप्तान गुलबदीन ने 27 रनों की पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस तरह से मैच भारत ने 11 रनों से जीत लिया। इस मैच में भारत के लिए 39 रन देकर 2 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई मोहम्मद शमी ने, जिसमें उन्होंने इस मैच में 3 गेंदों पर लगातार 3 विकेट लेकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई। शमी भारत के दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है। उनसे पहले चेतन शर्मा ने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है। मैच खत्म होने के बाद मोहम्मद शमी जब इंटरव्यू में आए, तब उनसे पूछा गया कि आखिरी ओवर में आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तब शमी ने क्या कहा, आइए जानते। शमी ने कहा, हमारे दिमाग में कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा था। हम यही चाहते थे कि मोहम्मद नबी नॉन स्ट्राइक पर छोर पर आ जाए, क्योंकि अफगान टीम के अनुभवी बल्लेबाज है, इसलिए अन्य खिलाड़ियों की गेंदबाजी करना हमारे लिए आसान था, क्योंकि निचले क्रम के बल्लेबाज बाउंड्री बड़ी होने के कारण बड़े शॉट नहीं मार सकते थे। इसके आगे शमी ने कहा, वनडे क्रिकेट के इस फॉर्मेट में डेथ ओवर्स के दौरान हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं रहते। बाउंसर डालने पर टॉप एज भी लग सकता है और 4 रन भी जा सकते हैं। इसी वजह से मैंने यॉर्कर गेंदें फेंकी, जिससे मुझे विकेट हासिल हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद शमी भारत टीम को वर्ल्ड कप दिलाने में सफल हो जाएंगे या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।